जो लोग ये कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं उनको पूछो ये तुम कहां से लाए हो। एक ऐसी टोली है जिसने पूरे उड़ीसा की व्यवस्था को कब्जा कर लिया है। पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। जो लोग आशंकाएं करते थे उनको एक मैसेज दे दिया है। सर ये क्या विंडिकेशन है 370 को जो आपने हटाया, इससे क्या लगता है कि आपका ये विंडिकेशन है कि जिस तरह से अब 370 ये सिर्फ एक 5-4 परिवारों का ही एजेंडा था जी। ये न कश्मीर की जनता का एजेंडा था न देश के लोगों का एजेंडा था। ये अपने फायदे के लिए ये 370 की ऐसी एक दीवार बना के बैठे थे ताकि कोई झोंक न पाए। और कहते थे 370 हटेगी तो आग लग जाएगी, वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा। आज ये सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज्यादा एकता की अनुभूति हो रही है, कश्मीर के लोगों का अपनापन ज्यादा बढ़ रहा है और इसलिए इसका सीधा परिणाम चुनावों में भी दिखाई देता है, टूरिज्म में दिखाई दे रहा है। G20 समिट वहां होती है, बड़े शान से कश्मीर ने उनका स्वागत किया पूरी दुनिया का। और इसलिए ये कैसे झूठी दीवारें खड़ी कर करके देश को टुकड़ों में देखा गया इसका यह उदाहरण है और उसको मैंने ध्वस्त किया है। सर वेल्थ क्रिएटर्स को लेके भी बातचीत एक नैरेटिव आता है कि कभी राहुल गांधी जी बोलते हैं कि आप कुछ परिवार को आप बढ़ा रहे हैं, अभी आपने हाल में उनको बोला, तो क्या लगता है कि देश में जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनको ही उन पर राजनीति होनी चाहिए? मैं फिर कहता हूं जो लोग ये कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं उनको पूछो ये तुम कहां से लाए हो, उनसे बात करो भाई, आप उनसे तो कुछ पूछते नहीं हो। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये चर्चाएं उनके साथ करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सर उड़ीसा में अभी चुनाव होने हैं, अभी हाल में उधर आपकी देखा जाए तो काफी अच्छे संबंध थे नवीन पटनायक जी के साथ, उन्होंने कई मुद्दों पर आपको सपोर्ट किया, अब आप लोगों का अलायंस नहीं है और आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं? हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हमारे संबंध अच्छे ही हैं और लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है, संबंध अच्छे होने ही चाहिए। अब सवाल ये है कि मैं मेरे संबंधों को संभालूं कि उड़ीसा के भाग्य की चिंता करूं, तब मैंने रास्ता चुना कि मैं उड़ीसा के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को खपा दूंगा। उसके लिए मेरे संबंधों को मुझे अगर बलि चढ़ाना पड़ेगा तो मैं उड़ीसा की भलाई के लिए बलि चढ़ाऊंगा और चुनाव के बाद मैं कन्विंस करूंगा हर एक को भाई मुझे किसी की दुश्मनी नहीं है। लेकिन 25 साल से उड़ीसा में प्रगति नहीं हुई और सबसे बड़ी चिंता ऐसी है कि कुछ एक ऐसी टोली है जिसने पूरे उड़ीसा की व्यवस्था को कब्जा कर लिया है, ऐसा लगता है पूरी व्यवस्था को बंधक बना दिया है। और जब इतना बंधक बना दिया है तो बहुत स्वाभाविक है कि उड़ीसा अगर उस बंधनों से बाहर आएगा तो उड़ीसा खिलेगा। उड़ीसा की अस्मिता का सवाल है, इतने प्राकृतिक संसाधन है उड़ीसा के पास, एक समृद्ध राज्य के गरीब लोग देख करके दुख होता है। हिंदुस्तान के समृद्ध राज्यों में उड़ीसा है, इतनी प्राकृतिक संपदा है और हिंदुस्तान के गरीब लोगों के राज्य में भी उड़ीसा है, तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार है और इसलिए उड़ीसा के लोगों का उनका हक मिलना चाहिए, उड़ीसा को उसकी अस्मिता मिलनी चाहिए। उड़ीसा का भाग्य बदलने वाला है, सरकार बदल रही है। मैंने कहा है कि उड़ीसा की वर्तमान सरकार की एक्सपायरी डेट 4 जून है और 10 जून को बीजेपी का मुख्यमंत्री उड़ीसा में शपथ लेगा। मोदी जी बंगाल में भी ताबड़तोड़ एक टक्कर की लड़ाई चल रही है, आपके भी बहुत कैंपेनिंग वहां पे आपने की है और अभी आप शायद फिर जाने वाले हैं बंगाल, क्या लगता है आपके प्रोस्पेक्ट कैसे रहेंगे बंगाल में? एक तो मुझे लगता है कि एनआई के जो फुट सोल्जर्स हैं एक बार उनको वेरीफाई करना कर देना चाहिए कि वो कहां से रिपोर्टिंग आपको भेजते हैं। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछली असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया, हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में
द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है।